रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 और 3 अप्रैल को सिंधियत जू मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर देश विदेश के बड़े कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपनी कला का जलवा दिखाएंगे। यही नहीं, महिलाएं भी तरह तरह के स्टॉल लगाएंगे। इस बात की जानकारी आज सिंधु भवन में पत्रकार वार्ता करके दी गई। चेटी चंड महोत्सव 2 और 3 अप्रैल को 2 दिवसीय सिंधियत जो मेले के रूप में मनाएगा सिंधु भिंड। यह मेले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस बार देश प्रदेश के कई मशहूर कलाकार इसमें शिरकत करेंगे। वहीं नहीं, महिलाएं भी इसमें अपने स्टॉल लगाएंगी, जो तरह तरह से अलग अलग तरीके से सजाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के स्टॉल होंगे। मशहूर कलाकार अजय मुकेश इंदौर, निशि धनेजा भोपाल, 3 अप्रैल को प्रियंशी काकवानी गोरखपुर एवं शुभम नथानी दिल्ली द्वारा संगीत में प्रस्तुत दी जाएगी। साथ ही भोपाल से 15 कलाकारों की टीम द्वारा ट्रेडिशनल डांसेस की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इस मौके पर महिलाओं द्वारा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तमाम तरीके के व्यंजनों के स्टॉल, बरी, पापड़, अचार, बुटीक, रेडीमेड ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक आइटम, सिलाई कढ़ाई बुनाई से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही धर्म संस्कृति के विकास के लिए भगवान झूलेलाल, साईं गुरु नानक देव को शिक्षा प्रद उद्देश्यों को प्रदान करने वाली सजीव झांकियां एवं दरिया शाह के दर्शन मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता आयोजित करके दी गई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है 2 और 3 अप्रैल को राज कपूर ऑडिटोरियम में शाम को ठीक 6 बजे से मातृशक्ति और मातृ आत्मनिर्भरता को लेकर कई प्रकार के संदेश देने का एक संस्था का प्रयास है, धर्म संस्कृति व रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए। कई बड़े बड़े कलाकार अंदर भी आ रहे हैं ऑडिटोरियम में, जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे नृत्य एवं संगीत के माध्यम से। भोपाल से 15 लोगों की क्लासिकल डांस और ट्रेडिशनल डांस की टीम भी आ रही है, जो डांसेस का प्रस्तुति करेगी, नृत्य का प्रस्तुति करेगी। और जो ये बाहर से बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, दोनों दिन अलग अलग कलाकार रहेंगे। 2 तारीख को कलाकार आ रहे हैं आपके अजय मुकेश इंदौर से, निशि धमेचा भोपाल से, इसी प्रकार से 3 तारीख को प्रियंशा कारवानी आ रही है मिजोरम से, और दिल्ली से आ रहे हैं शुभम नाथानी। ये गीत संगीत का अपने आवाज़ का परचम देश विदेश में आज फैला चुके हैं, अब अपने रीवा में आ रहे हैं। कितने तारीख को? 2 और 3 अप्रैल को, दोनों दिन अलग अलग कार्यक्रम है। मेला भी चलेगा बाहर, मातृशक्ति और आत्मनिर्भरता को लेकर जो हमारी माताओं बहनों में जितने भी अंदर उनके अंदर हुनर है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुद्ध वातावरण में, हेल्दी एटमॉस्फियर में हमारा प्रयास है कि वो सारे संदेश उनके समाज तक जाएं। बिल्कुल स्वादिष्ट व्यंजनों के, ट्रेडिशनल व्यंजनों के साथ में जो घर में वेस्ट मटेरियल रहता है उसको लेकर क्राफ्ट का संदेश देना, या जो भी आज हमारी माताएं बहनें हैं जो आज किसी भी एंगल में देखें तो अपन पुरुषों से पीछे नहीं है, आज एक कदम उनका हर जगह आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे घर की आर्थिक स्थिति का सुधार हो, चाहे समाज में किसी भी भाग में उनका रूप हो, तो वो अलग अलग अपने स्टॉल्स के माध्यम से कई प्रकार के वहाँ पे आत्मनिर्भरता को लेकर संदेश दे रही हैं। जैसे कई हमारी माताएं बहनें घर से बेडशीट्स का, कुर्ती, लेगीज का काम करती हैं, लेडीज संबंधित आइटम्स का, कॉस्मेटिक्स आइटम्स का, तो दिल्ली से भी कुछ स्टॉल आ रहे हैं, मैहर, प्रयागराज, इलाहाबाद, सतना, इस प्रकार से कई सारे बाहर से भी स्टॉल आ रहे हैं। हमारी रीवा की माताओं बहनों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाहर से भी हमारी माताएं बहनें अपने स्टॉल्स ला रही हैं। पिछले वर्ष उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक मेला लगा हुआ था, उन तक संदेश पहुँचा, और इस बार सबने यही बोला कि 2 दिन आप लोग मेला करिए। सबके प्रोत्साहन के लिए अपन ने 2 दिन का मेला रखा है इस बार, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम संस्था करती चली आ रही है। मीडिया जो आप समाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, हमारे वरिष्ठ जितने भी पत्रकार हैं इसके स्वयं गवाह हैं कि सिंधु यूथ विंग शहर में कई प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, दीन दुखियों को लेकर समय समय पर आयोजन करती चली आ रही है। अभी हमारा दिसंबर में दीन दुखियों के लिए हमने कंबल वितरण, फल वितरण, मिठाई का, खाने का वितरण रखा था। अभी हमने 23 तारीख को वीर शहीद, अमर शहीद हेमू कल्याणी जन्म शताब्दी समारोह पे भव्य भंडारे का आयोजन किया था। मैं सचिन डुडानी, इस संस्था का
फाउंडर मेंबर संस्थापक संरक्षक। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।